सभी को सुप्रभातम। घर घर में योग का दीपक जलाने वाले, अहर्निश एक एक श्वास में राष्ट्रदेव की आराधना करने वाले, इस राष्ट्र के ऊपर जिनके अनगिनत उपकार हैं, ऐसे राष्ट्र गौरव राष्ट्र नायक परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में हम सब की ओर से कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। युवा भारत को भी मेरा प्रणाम है। इस अमृत वेला में साक्षात गुरु के सानिध्य में बैठकर के योग करते हुए आज दूसरा दिन है। सचमुच ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है, अवधि है, क्योंकि कल श्रद्धे स्वामी जी महाराज एक वाक्य बोल रहे थे, हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है हमारे स्वभाव का परिवर्तन। और ये इतना कठिन और दुरूह कार्य है, कई बार तो वर्ष नहीं कई जन्म भी लग जाते हैं, लेकिन गुरु के प्रेम से, गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से ये कठिन और दुरूह कार्य कितना सरल भी हो जाता है। जैसे नौजवान नरेंद्र विवेकानंद बन जाते हैं, महर्षि दयानंद के एक वाक्य से अमीचंद हीरा बन जाता है, और हमने देखा जो अपने घर वालों के कहने से नहीं छोड़ते थे, ऐसे लाखों भाई श्रद्धे स्वामी जी महाराज के सानिध्य से नशा और मांसाहार छोड़ करके अपने जीवन को पावन बना चुके हैं, शुद्ध सात्विक पुनीत बना चुके हैं। ये बहुत अद्भुत होता है। जिस प्रकार हमारे सेल फोन को प्रयोग करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है, उसको ठीक से चलाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट ठीक होना चाहिए, मोबाइल चाहे सस्ता महंगा जैसा भी हो लेकिन टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, एक उसके टावर से नेटवर्किंग होने चाहिए, उसकी चार्जिंग होनी चाहिए, और चौथा उसका सिम कार्ड प्रॉपर होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे इस जीवन को ठीक से चलाने के लिए भी हमारा शरीर ठीक होना चाहिए, शरीर काला गोरा लंबा छोटा जैसा भी हो लेकिन रोगी नहीं होना चाहिए, गुरु रूपी टावर से उसकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, और हमारी सेवा और समर्पण से ये चार्ज होता है। और इसके चार्ज होने के बाद शुद्ध सात्विक, योग से शुद्ध किया हुआ सात्विक अंतःकरण, ये हमारा सिम कार्ड है। ये चार चीजें होती हैं तो जीवन ठीक से चलता है, और ये सब होता है योग से। योग से हमारा व्यक्तित्व विराट हो जाता है, और जैसे जैसे हमारा व्यक्तित्व विराट होता है अपनापन जुड़ता जाता है। कितना भी बड़ा कोई भ्रष्टाचारी क्यों ना हो, अत्याचारी क्यों ना हो, वो अपनों के साथ भ्रष्टाचार नहीं करता है, वो अपने परिवार के ऊपर अत्याचार नहीं करता है। और जैसे जैसे अपनापन जुड़ता है, हमारे शहीदों का अपनापन जुड़ा था देश के साथ, इसलिए उन्होंने अपनी जान भी इस देश के हित के लिए कुर्बान कर दी। अपनापन जुड़ा है श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का इस राष्ट्र और राष्ट्रवासियों के साथ, इसलिए वे हर पल हर क्षण हर श्वास में राष्ट्र के उत्थान के लिए, समृद्धि के लिए और राष्ट्र के गौरव के लिए जीते हैं। समस्त संघर्षों और प्रतिकूलताओं को परास्त करके, अपनी समस्त लोकप्रियता और मान सम्मान को भी दाव पर लगा करके, वे भारत माता का खोया हुआ उसका सौभाग्य उसे पुनः लौटाना चाहते हैं। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी केवल श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की ही है? क्या ये हम सब की नहीं है? क्या ये इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की नहीं है? मैं धन्यवाद करती हूँ करोड़ों कार्यकर्ताओं के साथ साथ इस युवा भारत का भी, जिन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को, कर्तव्य को समझा और इस कड़ाके की ठंड में, इस पवित्र धाम में आकर के इसको और भी ज्यादा सुशोभित किया है, कर दिया है। अधिकार की मांग करना अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले हमें अपने कर्तव्य का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। वर्ष 2011 एक क्रांति का वर्ष रहा, मिस्र, ट्यूनिशिया, लीबिया आदि इसके उदाहरण हैं, लेकिन अब इस वर्ष 2012 में एक अहिंसक महाक्रांति इस भारत देश में होने वाली है, और जिसके पुरोधा बनेंगे आप सब, क्योंकि जवानी नाम ही बलिदान का है। जवानी नाम है बलिदान का, विष पान करने का, चुनौती संकटों को दे दुखों का मान करने का। जवानी की यही पहचान, भूलों पर ना रोती है, निरंतर गति मती रहती, ना रुकती है ना सोती है। अब
विश्व को, पूरे भारत को विश्व का गुरु बनाने के लिए, विश्व गुरु भारत को बनाने चले हैं मस्त दीवाने रे, सेवा समता और मेहनत के गाते हुए तराने रे, भारत नया बनाने को हम स्वर्ग धरा पर लाएं रे, हंसते गाते गुजर जाएंगे कांटों से अंगारों से, टकराएंगी ये आवाजें देश के पहरेदारों से। आइए इसी संकल्प को अपने हृदय में संजोते हुए आज का योग दीप जलाते हैं। हमारे बहुत ही प्रबुद्ध कृषि वैज्ञानिक आदरणीय भाई देवेंद्र जी, आदरणीय बहन संगीता जी, भाई मगन जी, आदरणीय भाई सुभाष जी, भाई सुरेश जी, आदरणीय बहन पूर्वी जी, सुखवीर जी, आदरणीय आचार्य शिवानंद जी जो हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं उत्तर प्रदेश से, आदरणीय बहन डॉक्टर सुमन यादव जी जो एक सुंदर भेंट भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को करने वाली हैं और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद भी ले रही हैं, बहन डॉक्टर सुमन जी, आचार्य श्री व्यास जी, हमारे सभी कृषि वैज्ञानिक श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और आप सबकी करकल ध्वनि यदि हो जाए आपका उपचार होगा, हमारे वैज्ञानिकों का सत्कार होगा। आचार्य व्यास जी जो उत्तर प्रदेश के संयोजक हैं, श्री राम धूल आर्य जी जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, श्री राजीव जी, बहन सुमन यादव जी श्रद्धे स्वामी जी महाराज को मुकुट पहना करके आशीर्वाद ग्रहण कर रही हैं। श्री देवेंद्र जी युवा प्रभारी राजस्थान, श्री पद्मलोचन जी युवा प्रभारी उड़ीसा, श्री जयदेव आर्य जी कबड्डी के प्रभारी उत्तर प्रदेश, लाल बहादुर विश्वकर्मा जी तैराकी नेशनल उत्तर प्रदेश, महावीर नायक जी कबड्डी जिला रांची, श्री राम मेहर जी एनसीसी में, पूनम जी नेशनल वॉलीबॉल पंजाब, श्री विपिन जी राज्य प्रभारी, भाई रमेश जी राज्य प्रभारी उत्तर प्रदेश, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं आत्म अनुशासन से ही एक स्वस्थ और सुदृढ़ सुशासन की नींव है, आधार है। और एक आत्म अनुशासन ग्रहण करने के लिए हम चलते हैं योग की शरण में, श्रद्धेय गुरुदेव की चरण में। आइए आप सब भी मिलकर के योग का अनुष्ठान करते हैं साक्षात गुरु चरण शरण में बैठ करके। ओम।